वी ऑलवेज डिजायर फॉर फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग स्किन. हम आप डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होता है बनाना. मैंने आई थिंक आईज हर स्किन टाइप वालों को सूट करती है एंड बहुत अच्छी चीज. Hey guys, I'm Preeti and welcome back to our channel, The Homemaker Style Corner. So guys, healthy and flawless skin is every woman's dream, right? We always desire for young and glowing skin and jise achieve karne ke liye hum log follow karte hain ek proper skincare routine. But is that enough? नो गाइज, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन एकदम हेल्दी रहे, उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर एकदम अच्छा रहे, तो हमें एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन के साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी फॉलो करनी चाहिए. कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए एंड वी शुड मेक दिस हैबिट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, ताकि हम इसे रेगुलरली फॉलो करें विदाउट एनी ब्रेक, जिससे हमारी स्किन रहे एकदम हेल्दी. एंड ये हैबिट्स आपको फॉलो करनी है अपनी मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन में. एंड वो क्या क्या हैबिट्स होती हैं ये मैं आपको बताऊंगी. बट मैंने इस वीडियो को स्प्लिट कर लिया है दो पार्ट्स में. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मॉर्निंग हैबिट्स और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको नाइट टाइम पे फॉलो करनी है. सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जो कि आपको रेगुलरली फॉलो करनी है विदाउट एनी ब्रेक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम हेल्दी, फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग रहे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर यू वेकअप, आई मीन ब्रश वगैरह करने के बाद, एंड दैट इज यू हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूकवॉर्म वाटर और यू कैन ऑल्सो टेक अ डिटॉक्स वाटर. आपको लेना है एक ग्लास गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए. एंड ठंडा पानी अवॉइड करिए, ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है सुबह उठकर. या फिर आप डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है बनाना. मैंने आपके साथ शेयर भी किया है आई थिंक अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कि मैं सुबह उठकर जो है थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ और गर्म पानी में थोड़ा सा मिक्स करती हूँ लेमन जूस एंड हनी और फिर मैं पानी को पीती हूँ. या फिर सम टाइम्स आई ऑल्सो टेक एप्पल साइडर विनेगर एंड हनी वाला पानी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी ओवरऑल वेट के लिए, बहुत अच्छा होता है एंड स्किन के लिए इट्स लाइक अ मैजिकल, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन. गर्म पानी या फिर डिटॉक्स वाटर आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है. जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो इससे रिमूव होते हैं, हाइड्रेशन करके रखता है ये आपकी बॉडी, आपकी स्किन इससे चार्ज हो जाती है, रिफ्रेशिंग आप फील करते हैं. सो गर्म पानी पीना और डिटॉक्स वाटर सुबह उठ के पीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको थोड़ी सी पफिनेस की प्रॉब्लम है सुबह उठकर, आपका फेस थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप रेगुलरली गर्म पानी या फिर डिटॉक्स वाटर पियेंगे तो आपकी जो पफिनेस की प्रॉब्लम है वो भी इससे कम होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा. तो गर्म पानी पीने के और डिटॉक्स वाटर पीने के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फायदे हैं. आई नो कुछ लोगों को सुबह उठकर कॉफ़ी, चाय ये सब पीने की आदत होती है, क्रेविंग होती है कि सुबह सुबह उठकर एडिक्शन हो जाती है कि चाय या कॉफ़ी मिलनी चाहिए उन्हें. तो अगर बात आती है आपकी स्किन की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम हेल्दी रहे, यंग लगे, तो कॉफ़ी और चाय को थोड़ा सा इग्नोर करिए एंड सुबह उठकर गर्म पानी पीजिए, डिटॉक्स वाटर पीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के. पानी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है. सो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो आपको रोज़ पीना चाहिए अगर आपकी स्किन आपको हेल्दी और फ्लॉलेस चाहिए. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद अ डिटॉक्स वाटर और ल्यूकवॉर्म वाटर. बाकी के काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले उठकर पानी पीजिए और बाकी के काम बाद में करिए. द सेकेंड हैबिट इज अप्लाइंग आइस ऑन योर फेस. एंड गाइज, ये वो चीज़ है जो रेगुलरली मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैंने आपको आई थिंक बहुत सारी वीडियोज में बताया है ऑलरेडी कि मुझे पफिनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. एंड जब से मैं आइस अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे आइस यूज़ करते अपने फेस पे, तो मैंने नोटिस किए हैं विजिबल डिफरेंसेज इन माई स्किन. मेरी जो स्किन की ओवरऑल क्वालिटी है वो अच्छी हुई है. ऑफकोर्स मैं और भी बहुत सारी चीज़ें डी आई वाइज करती रहती हूँ, लेकिन एक आइस ऐसी चीज़ है जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, पफिनेस ठीक होती है. एंड आइस लगाने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक पोर साइज इससे श्रिंक होता है. अगर आपको इनलार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि रेगुलरली अगर आप आइस अप्लाई करेंगे तो पोर साइज उससे कम होगा. साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है, सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो रेगुलरली आइस अप्लाई करने से वो भी कम होगा.
एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएगी। रेगुलरली आइस लगाने से जो एजिंग साइंस होते हैं लाइक फाइन लाइंस, रिंकल्स, वो भी कम होते हैं। साथ ही साथ दिस इज़ द बेस्ट होम रेमेडी फॉर योर डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस। एक्चुअली आइस लगाने से क्या होता है कि आपके जो आइस के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पफिनेस है वो कम होती है एंड आपकी जो स्किन में अगर स्वेलिंग है, आपके फेस पे किसी तरह की स्वेलिंग है तो वो भी ठीक होती है। तो आइस के बहुत बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। कभी कभी मैं सिर्फ आइस ही यूज़ करती हूँ एंड समटाइम्स आई ऑल्सो यूज़ आइस फेस पैक, जिसका मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप देखिए, ज़रूर देखिए। आइस फेस पैक भी मैं यूज़ करती हूँ, मेरे फ्रिज में हमेशा पड़ा रहता है, मैं बना के रख लेती हूँ उसको और फिर मैं उसे यूज़ करती रहती हूँ, 15-20 दिन तक वो चलता है मेरा। तो इसी तरह से आप भी DIY फेस पैक बना सकते हैं, आइस फेस पैक, या फिर आप सिंपली आइस लगाइए अपने फेस पे रोज़ और फिर आप देखिए कि आपके स्किन पे विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेंगे, आपका पोर साइज श्रिंक होगा और भी जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो आपके ठीक होते आपको नज़र आएंगे। आइस एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली फॉलो करती हूँ मैं, क्योंकि अभी समर्स हैं तो आराम से लगा सकते हैं आइस, आगे विंटर्स आएंगी तो ऑफकोर्स ठंड लगेगी, आइस लगाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आई थिंक मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि मुझे थोड़ी पफिनेस की प्रॉब्लम है, जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरी जो आइज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है एंड ओवरऑल जो मेरा फेस भी है बहुत ज़्यादा फूला फूला सा नज़र आता है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह भगवान की दया से मेरा जो फेस है वो काफ़ी भरा भरा सा है। तो सुबह जब मैं सोकर उठती हूँ तो बाप रे बाप, इसकी तो क्या हालत होती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, बहुत फूला फूला नज़र आता है। तो इसे कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, पफिनेस को कम करने के लिए मैं आइस अप्लाई करती हूँ। आई थिंक आइस हर स्किन टाइप वालों को सूट करती है एंड बहुत अच्छी चीज़ है। तो सुबह उठकर आइस ज़रूर अप्लाई करिए अपने फेस। नो द थर्ड हैबिट इज़ योर CTM रूटीन, दैट इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। येस, अगर आपको चाहिए एकदम हेल्दी स्किन तो आपको एक प्रॉपर CTM रूटीन फॉलो करनी है, जिसमें क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आती है, तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो एक प्रॉपर CTM रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपनी स्किन टाइप, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी CTM रूटीन फॉलो करनी है। तो CTM रूटीन में सबसे पहला आता है स्टेप क्लेंजिंग। क्लेंजिंग कुछ है गाइस, क्लेंजिंग इज जस्ट आपको अपने फेस को क्लीन करना है, अपना फेस वॉश करना है एक अच्छे से फेस वॉश के साथ। तो क्लेंजिंग में बेसिकली दो स्टेप्स आते हैं, फेस वॉश करना एंड दूसरा स्टेप आता है एक्सफोलिएशन। क्लेंजिंग आपको पता है गाइस, आपको रोज करनी है, आपको रोज अपना फेस वॉश करना है एंड फेस वॉश करने के लिए आपको कोई एक बहुत ही माइल्ड और जेंटल जो फेस वॉशेज होते हैं वो यूज करने हैं। बहुत ज्यादा केमिकल्स वाले फेस वॉश आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो क्लेंजर जो है, फेस वॉश जो है, वो आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना है। मान लीजिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस लीजिए, जिसमें एलोवेरा जेल या फिर कुछ और ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो और थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट फील हो, सपल फील हो फेस वॉश यूज़ करने के बाद। ऐसा नहीं कि फेस वॉश आपने यूज़ किया उसके बाद आपकी स्किन एकदम ड्राई हो गई। तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही अपना फेस वॉश चूज़ करिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा जो फोमिंग क्लिंजर होते हैं, जो फोम वाले जो फेस वॉशेज होते हैं वो आप यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन मान लीजिए पिगमेंटेड है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर ब्लिमिशेस हैं, तो इसी तरह के भी आपको फेस वॉशेस और क्लेंजर्स मार्केट में मिल जाएंगे, आप वो यूज़ करिए। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फेस वॉशेस क्लेंजर्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप DIY करके भी घर में बना सकते हैं। DIY जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, वो हमेशा बहुत अच्छी होती हैं आपकी स्किन के लिए। मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ ऑनेस्टली मार्केट प्रोडक्ट्स, मैं घर की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। बेसन, आटा, ओट्स, इन सब में थोड़ा सा हनी और दूध मिक्स कर लीजिए, दही मिक्स कर लीजिए, हल्दी डाल लीजिए थोड़ी सी और उससे अपना फेस क्लीन करिए, बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आप DIY करके भी क्लेंजर्स बना सकते हैं, अपना फेस क्लीन कर सकते हैं, तो आप वो बना सकते हैं। एंड जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है एक्सफोलिएशन। तो जो एक्सफोलिएशन होती है वो आपको गाइज रोज़ नहीं करनी है, ये आप बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। कुछ लोग जो है वो रोज़ एक्सफोलिएट करना शुरू कर देते हैं, रोज़ स्क्रब करना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि उनकी स्किन जो है वो और भी अच्छी होगी इससे, तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको रोज़ एक्सफोलिएशन नहीं करनी है, दैट इज़ मोर हार्मफुल फॉर योर स्किन। तो आपको 2 या 3 बार एक्सफोलिएशन करनी चाहिए, वो भी अपनी स्किन को देखकर। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो ही आप एक्सफोलिएट करिए 3 बार। नहीं तो मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 बार
इज़ इनफ। दो बार एक्सफोलिएट करिए अच्छे से, आप कोई स्क्रब ले लीजिए, जेंटल माइल्ड स्क्रब लीजिए, या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारी वीडियोज़ हैं और मैंने भी शेयर की आपके साथ, वो देख लेना आप वो ले सकते हैं और एक्सफोलिएट करिए अपनी स्किन को, जिससे डेड स्किन सेल्स अच्छे निकल जाएं, आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकल जाए, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो क्लिनजिंग आपको रोज करनी है, बट एक्सफोलिएशन आपको करनी है हफ्ते में 2 या 3 बार। नो द सेकेंड स्टेप इज टोनिंग। तो इमिडिएटली आफ्टर क्लेंजिंग, जब आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपको अप्लाई करना है टोनर। तो टोनर भी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, अल्कोहल फ्री होना चाहिए। बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले जो टोनर है वो आपको अप्लाई नहीं करने हैं। तो टोनर ज़रूर अप्लाई करिए, इससे आपका जो पोर साइज है वो श्रिंक होता है, स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन होता है, आपकी स्किन जो है एकदम थरली क्लीन होती है, हेल्दी बनी रहती है। तो टोनर बिल्कुल भी स्किप मत करिए। कुछ लोग जो हैं वो टोनर अप्लाई नहीं करते, उनको लगता है कि टोनर क्यों अप्लाई करना, इसके तो कोई फायदा नहीं है। आई एम टेलिंग यू गाइस, जरूर अप्लाई करिए, टोनर बहुत अच्छा होता है। तो फेस वॉश करने के बाद जो है डायरेक्टली कुछ लोग जो है मॉइस्चराइज कर लेते हैं, मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, नहीं, आपको बीच में जो टोनिंग वाला स्टेप होता है जरूर फॉलो करना है। तो इसी को बोलते हैं CTM, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो आपको टोनिंग जरूर करनी है, एक अच्छा सा टोनर जरूर अप्लाई करिए। अगर आप बाजार से, मार्केट से टोनर नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो घर पे बना लीजिए। आप कुकम्बर में थोड़ा सा हनी मिक्स कर लीजिए या फिर लेमन जूस मिक्स कर लीजिए, वो आप टोनर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली रोज वाटर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से टोनर का काम करता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन। तो कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि हमारी तो ऑयली स्किन है, हमें मॉइस्चराइजेशन की क्या जरूरत है, हमें तो कोई क्रीम वीम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो पहले से ही बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है स्किन से, तो जरूरत नहीं है। तो यू आर रॉन्ग इन दैट केस गाइज। आपकी चाहे ड्राई स्किन है, आपकी चाहे ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन, आपकी कोई भी स्किन टाइप है, मॉइस्चराइजेशन इज मस्ट फॉर यस। बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी जो स्किन की एबिलिटी होती है मॉइस्चर लॉक करने की, हाइड्रेशन की, वो कम होती जाती है। एंड हमारी जो स्किन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पोर साइज उससे बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड जो एजिंग साइंस होते हैं लाइक फाइन लाइन्स, रिंकल्स, वो आना शुरू हो जाते हैं। तो मॉइस्चराइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब बात जो है वो गांठ बांध लीजिए कि अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है, ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वालों को तो ऑफकोर्स भर भर के मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपको एक अच्छी सी क्रीम, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऑफ कोर्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छा क्रीमी मॉइस्चराइजर, एक अच्छा थिक मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर, जो थिन कंसिस्टेंसी वाले मॉइस्चराइजर होते हैं लाइक ग्रीन टी वाले, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए मॉइस्चराइजर में, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक विटामिन सी वाले, हाइलुरोनिक एसिड वाले मॉइस्चराइजर अवेलेबल है मार्केट में, वो ले सकते हैं। तो क्लेंजिंग और फेस वॉश करने के बाद हमें अप्लाई करना है टोनर, और उसके बाद ही हमें अप्लाई कर लेनी है अच्छी सी क्रीम और मॉइस्चराइजर। इसमें बहुत ज़्यादा जो है गैप नहीं होना चाहिए। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि शावर लेने के बाद और फेस वॉश करने के बाद जो है हम कुछ और कामों में जो है बिजी हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस फेस वॉश हो गया और हमारा काम खत्म, हमें कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू आर रॉन्ग गाइज, आपको क्लेंजिंग के बाद टोनर और मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है। एंड जब आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है, जब आप फेस वॉश करके आते हैं तो स्किन आपकी जो है वो सॉफ्ट होती है, सपल होती है, तो उसी दौरान आपको जो है टोनर और मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देना है, ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से लॉक हो जाए एंड आपकी स्किन आपको मिले एकदम सॉफ्ट और सपल। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस रूटीन में, एक प्रॉपर CTM रूटीन फॉलो करने के लिए आपको कुछ 10 या 12 मिनट ही लगेंगे। तो अगर आप लोग पहले से ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे कुछ लोग होंगे जो अभी भी इस रूटीन को सीरियसली रेगुलरली फॉलो नहीं करते हैं, तो गाइज फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्दी स्किन के लिए। द फोर्थ हैबिट इज अप्लाइंग सनस्क्रीन। आपने अपनी CTM रूटीन अच्छे से कर ली, उसके बाद आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज यूज ऑफ सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थी स्किन, बिकॉज जो सन से यूवी रेडिएशंस निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं आपकी स्किन के लिए। इट कैन डैमेज द DNA ऑफ योर स्किन सेल्स, एंड जिससे मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड आपकी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम, सनबर्न्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेज और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, एंड आपकी स्किन की हालत हो जाती है खराब। सो इफ यू
want to preserve the youthfulness and radiance of your skin, you have to apply a sunscreen every single day with a good SPF. तो SPF क्या होता है? Sun Protection Factor, जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो SPF, जब भी आप सनस्क्रीन ले मार्केट से, तो उसका SPF ज़रूर देखें. जनरली 30 से लेकर जो 50 SPF वाले जो सनस्क्रीन होते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं आपकी स्किन के लिए, तो वो आप ज़रूर लगाइए. तो जितना ज़्यादा SPF होगा, उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी आपको UV रेडिएशन से. मान लीजिए जैसे आप SPF 15 वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट 93% ऑफ UV रेज. आप SPF 30 वाला कर रहे हैं, तो इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट 97% ऑफ UV रेज. एंड इसी तरह से वो जो आगे आगे बढ़ता जाएगा. बट ये माना जाता है कि कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है. 99.7% 99.8% तक देगा, बट 100% प्रोटेक्शन कोई भी सनस्क्रीन नहीं देगा. बट इट डजंट मीन कि आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे. चाहे समर्स हैं, विंटर्स हैं, बारिश हो रही है, क्लाउडी है, नेवर नेवर स्किप योर सनस्क्रीन. आई नो कुछ लोगों को ये लगता है कि बाहर तो बारिश हो रही है, मौसम जो है वो क्लाउडी है, बाहर धूप नहीं है, तो सनस्क्रीन जो है लगाने की क्या ज़रूरत है, छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है सनस्क्रीन लगाने की. दिस इज़ मिसकंसेप्शन. चाहे बाहर बारिश हो रही है, चाहे क्लाउडी है, धूप नहीं है, फिर भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, बिकॉज क्लाउड्स रेन डोंट ब्लॉक दी यूवी रेज फ्रॉम पेनिट्रेटिंग योर स्किन. आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है. सनस्क्रीन ऑलवेज टेक्स टाइम टू सिंक इन टू योर स्किन. तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि बाहर जाने से कम 15-20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन अच्छे से लगा लीजिए, फेस पे लगा लीजिए. अगर आपका कोई अनकवर्ड बॉडी पार्ट्स है, यानी कि आप स्लीवलेस पहनने वाले हैं, या आप लेग्स में आपका कुछ अनकवर्ड पोर्शन है, तो वहाँ भी सनस्क्रीन आप अप्लाई करिए, ताकि आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, टैनिंग ना हो आपकी स्किन पे. तो आप सनस्क्रीन जो है 15 मिनट पहले लगा लीजिए, और उसके बाद बाहर निकलिए. सो बिफोर स्टेपिंग आउट, ऑलवेज अप्लाई अ गुड क्वालिटी सनस्क्रीन टू प्रिवेंट स्किन डैमेज एंड वेरियस स्किन इश्यूज. नाउ द फिफ्थ हैबिट इज़ वर्कआउट और एक्सरसाइज. तो सुबह उठकर आपको वर्कआउट या एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए. जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको योगा करना पसंद है, आप वो कर लीजिए. आप कुछ जुम्बा कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, लाइट जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप कर सकते हैं. आपको डांस करना अच्छा लगता है, वो कर लीजिए. आपको जॉगिंग करना पसंद है, आप जॉगिंग पे निकल जाइए, वॉक पे जा सकते हैं, ब्रिस्क वॉक आप करिए, वो बहुत अच्छा होगा. वर्कआउट और एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. बिकॉज इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, एंड जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपकी स्किन को, एंड आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, न्यू स्किन सेल्स जो हैं उसकी ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है, कोलेजन प्रोडक्शन इससे बूस्टअप होता है. सो ओवरऑल की जो स्किन की जो हेल्थ है ना, वो बहुत अच्छी रहती है, आपकी स्किन हेल्दी रहती है. एंड साथ ही साथ जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्वेटिंग होती है, एंड स्वेटिंग से क्या होता है, आपकी जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं, डर्ट होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो रिमूव होते हैं, वो निकलते हैं आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से, एंड जिससे आपकी स्किन जो है वो थरली क्लीन होती है, एंड उससे भी आपकी स्किन पे जो है वो ग्लो आता है. एंड आई वुड एडवाइस यू दैट इंस्टेड ऑफ सिटिंग इंडोर्स, आप बाहर निकल के थोड़ा सा अगर आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा. आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो बालकनी में बैठकर आप थोड़ी सी जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. अगर आपके घर में लॉन वगैरह है, तो वहाँ बैठकर करिए. अगर आप बाहर निकल के एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आपकी स्किन भी जो है वो रिवाइटलाइज होगी उससे, एंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग आपको फील होगा. तो एक्सरसाइज या वर्कआउट मॉर्निंग में आप ज़रूर करिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. द लास्ट एंड द फाइनल थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज हैविंग न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट. येस गाइज, योर फर्स्ट मील ऑफ द डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. एंड जब बात आती है आपकी स्किन की, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. आप सुबह उठकर क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ हेल्दी एंड होलसम ब्रेकफास्ट. जो भी आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान रखिए. उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें फैट्स होने चाहिए. तो एक अच्छा सा होलसम ब्रेकफास्ट आपको लेना है. लाइक आप सीरियल्स ले सकते हैं, सीरियल्स ले लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, उसमें आप मिल्क ऐड करिए, फ्रूट्स डालिए, तो आपका एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो रेडी हो जाएगा. अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं परांठा के साथ, चीला के साथ, आप ओट्स ले सकते हैं. देन अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, तो आप परांठे खाइए, लेकिन परांठे जो हैं आपको बहुत ज़्यादा बटर घी, बहुत ज़्यादा आपको फ्राई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल जो है परांठे, स्टफ परांठा लीजिए, और बहुत ही कम उसको तेल में फ्राई करिए, ऑलिव ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं. बट आपको जो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है. अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में कोई जूस ऐड करते हैं, स्मूदीज ऐड करते हैं, कुछ भी फ्लूइड्स अगर आप ऐड करते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा है. ऑरेंज जूस ले सकते हैं आप, मिक्स जूस ले सकते हैं, उसमें आप कैरेट्स,
ऑरेंज, बीटरूट, ये सब ऐड कर लीजिए, वो ले सकते हैं। या फिर आप स्मूदीज़ भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं स्मूदीज़ की, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्मूदीज़ ब्रेकफास्ट में, वो आप लीजिए। सो इंस्टेड ऑफ़ टी, कॉफ़ी, ये सब आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, स्किप करिए एंड अच्छा एक न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट खाइए। आई नो कुछ लोगों को आदत होती है ब्रेकफास्ट स्किप करने की, उनको लगता है कि डायरेक्ट लंच ही हम लोग करेंगे, सुबह सुबह हड़बड़ी में जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं मिला, या फिर कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, डायरेक्ट लंच किया। सो ये बहुत बहुत गलत हैबिट। मेरा तो ऐसा है कि मुझे उठते ही आधे घंटे में ब्रेकफास्ट चाहिए, आई नेवर स्किप माई ब्रेकफास्ट, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है सुबह सुबह उठकर, तो ब्रेकफास्ट मैं ज़रूर करती हूँ। मैं लंच डिनर स्किप कर देती हूँ, जनरली मैं दो ही मील्स लेती हूँ दिन में, मैं लंच या डिनर में से कुछ एक स्किप करती हूँ, बट ब्रेकफास्ट आई नेवर स्किप। ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए, उठते ही आधे घंटे मुझे ब्रेकफास्ट लेना होता है। तो अगर आपको भी ये हैबिट है ब्रेकफास्ट ना करने की, तो इसे अभी रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, आप ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए। आप देखेंगे कि ब्रेकफास्ट करने से, एक अच्छा न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट करने से आपकी स्किन पे, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे कितना अच्छा आपको जो है चेंजेस मिलेंगे। तो गाइज़ ये थी कुछ मॉर्निंग हैबिट्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं एंड दे कैन डू वंडर्स फॉर योर स्किन अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो रेगुलरली मैं भी फॉलो करती हूँ, आई हैव मेड दीज हैबिट्स अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन एंड अगर आप भी इन्हें फॉलो करते हैं रेगुलरली तो आपको भी विजिबल डिफरेंस मिलेंगे आपकी स्किन के ऊपर। आई नो गाइज बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, बट स्टिल समटाइम्स वी इग्नोर दीज थिंग्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड समटाइम्स वी जस्ट सिंपली इग्नोर, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होने वाला है एंड कुछ भी ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है गाइज, अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर ज़रूर एक आपकी स्किन के ऊपर जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसे फॉलो ज़रूर करिए इन हैबिट्स को और फिर देखिए आपकी स्किन जो है एकदम हेल्दी और फ्लॉलेस आपको मिलेगी। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी जिसमें आपके साथ शेयर करूँगी नाइट हैबिट्स के बारे में। गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, अच्छा बुरा जैसा भी लगा है प्लीज़ कॉमेंट तो करिए, मुझे आपके जो फीडबैक्स होते हैं ना पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कॉमेंट के नीचे मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड जो आगे का ड्रिल होता है ना गाइज, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको मैं बोलती हूँ करने के लिए, वो मैंने गाइज डिसाइड किया है कि इस वीडियो के बाद मैं वो नहीं करने वाली हूँ। यस, मैंने ये डिसाइड किया है कि आगे से कोई भी वीडियो मैं करूँगी तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि स्क्रीन पे मैं लिख दूं ऐसे ही कि लाइक कर दीजिए, बट शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई फील जिन लोगों को वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, वो मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं एंड सब्सक्राइब तो ऑफकोर्स उन्होंने किया ही होगा एंड मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड बाकी अगर बात करूँ जिन लोगों को वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं, ऑफकोर्स जिनको नहीं अच्छी लगेंगी वो क्यों मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे एंड क्यों सब्सक्राइब करके जाएंगे, वो नहीं करेंगे, आई अग्री। एंड अगर मैं बात करूँ शेयरिंग ऑप्शन की, तो इसके बारे में बोलना मुझे बिल्कुल यूज़लेस लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू शेयर द वीडियो। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट टीडियस थिंग टू डू, इवन मोर देन मेकिंग अ वीडियो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं बिल्कुल शेयर के लिए मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है एंड आगे से मैं बोलने वाली भी नहीं हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी के लिए भी नहीं बोलने वाली हूँ। तो जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो तो ऑफकोर्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे एंड जिनको नहीं अच्छी लगती हैं उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जिनको नहीं अच्छी लगती हैं वो मेरा कंटेंट मत देखिए, मेरा चैनल पे मत आइए, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप वो देखिए, आप वो वीडियोज़ देखिए, मेरे चैनल पे आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको आने के लिए। सो गाइस इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि बार बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिनको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी वो खुद को खुद लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जो नए आएंगे वो सब्सक्राइब भी करके जाएंगे, बट जिनको नहीं करना है लाइक, जिनको नहीं करना है कमेंट सब्सक्राइब, वो नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कितनी भी अच्छी वीडियोस बना लो, वो नहीं करके जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं ये सब नहीं बोलूँगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो करके जाइए लाइक, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो करना है करिए, बट मैं आगे से नहीं बोलने वाली हूँ। तो बस यही आपके साथ मुझे शेयर करना था, बातें और भी बहुत सारी हैं करने के लिए जो कि मैं किसी और वीडियो में करूँगी आपके साथ अपने दिल की बातें, वीडियो या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।